अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। ये देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हेयर देके, हेयर कट देके जो कि मैंने किए हुए है अपनी बेटी का, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अच्छा, ये मैंने पोनी बांध दी, पोनी टेल किए हुए, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने इतना प्यारा हेयर कट किया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और यकीन है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ये देखिए मैं बिल्कुल लगाई, अच्छा ये खजूर सा जो बना हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी बच्चों के देखती हूँ ना, मुझे वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप लोग बताएं आप लोगों को ये कैसा लगा ये हेयर कट मेरे बेबी का, और उम्मीद आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर इसके शरारतें देखें, ये देखिए सोफ़े के पीछे जो कर्टन है ना नेट वाला, तो उसके पीछे चुपती है ये। और कमरे का हशर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या हशर है, जो बस ये अल्लाह करे जल्दी से जो हमारा बोर लगा था वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हमारा उसमें से पानी आ गया तकरीबन जो है। अच्छा ये पहले वाला क्लिप है, उस हेयर कट वाला क्लिप बाद वाला है। तो यहाँ पर क्योंकि इसके हेयर जो है ना वो बड़े हैं। अच्छा इसके बाद जो है ना वो बोर होगा और हम इंशाल्लाह शिफ्ट होंगे। ये सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है, तो यहाँ पर लेके आए थे बच्चों को उसके लिए, बच्चों को भी हेयर कट के लिए, और जो कि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था और ये हेयर कट नहीं करने देता, इसका पहले से किया हुआ था लेकिन वो जो है वो इसने इनकम्प्लीट किया हुआ था। यहाँ पर मैं जो है रफ्तारी के लिए, आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। अगर आप लोग फुल वॉच करें तो आप यकीन कर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं लाई थी ये वाली चीज़ें लाई थी, पापड़ी और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें लाई थी, और यहाँ पर अमरूद और सेब और इसके अलावा केले और खरबूजा। और मैं इसका बनाने लगी हूँ आज चाट, क्योंकि आज मेरा चाट खाने को बहुत दिल कर रहा हूँ, और क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो बस आप लोग भी मेरे साथ साथ एंजॉय कीजिएगा, और अब मिले तो आप लोग बनाते ही होंगे। अच्छा मैं इसमें से आधे फ्रूट्स आज कर लूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं करना होता, बस हमारे हिसाब से जितना हम खा सकते हैं और जितना मेरी फैमिली के मेम्बर्स है तो जितना है उतना ही मैं बनाऊँगी। अच्छा इसमें से अभी यही वाले फ्रूट लगेंगे, सारे मैंने धो लिए अच्छी तरह से धो लिए, और बस ये हाफ मेलन मैं इसमें डालूंगी और हाफ जो है ना हम इसी तरह काट लेंगे। तो ये हमारा फ्रूट चाट गया, देखिए सारे कट कर दिए और ये माशाल्लाह से सारे अच्छी तरह से कट हो गए हैं, और बस थोड़े से मिक्स करके ना तो डालते हैं इसमें से ये वाला क्रीम। अच्छा जी ये वाला क्रीम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है नज़दीक में से मुझे यही अवेलेबल था तो मैं यही लेके आई हूँ। अदरवाइज़ मुझे जो है ना ऑल पर्स वाला क्रीम और ऑल पर्स और मिल्क पैक, वो दो क्रीम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और यकीनन वो है भी बहुत अच्छे। तो बस मुझे यहाँ पर जो अवेलेबल था वो भी मैं वही लेके आई हूँ, और वो मैं इसमें से डालने लगी हूँ। और बहुत मज़े का फ्रूट चाट बना हुआ था, और मैंने इसे एंड में से थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी क्योंकि ये क्रीम जो है ना ये स्वीट नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ा सा मीठा फ्रूट चाट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मीठा ज़्यादा उनको पसंद है, तो मैं इसलिए इसमें से चीनी भी डालूंगी। तो बहुत मज़े का जो है ना मेरा फ्रूट चाट ये रेडी होने वाला है। अच्छा आज जो है ना आज ये कल वाली अफ्तारी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, और आज वाली इफ्तारी जो है ना उसके लिए तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन वीडियो क्लिप मैंने ली हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आगे आगे और मैं बहुत सारे काम भी करने लगी हूँ, तो वो भी आप लोग प्लीज़ देखिएगा वीडियो में। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े, और पकौड़े जो है ये मैं आज थोड़ा से बेसन में कम डालूँगी, बेसन मैं इसमें से कम डालूंगी, और प्याज टमाटर आलू बे मैं इसमें से ज़्यादा डाल दूंगी क्योंकि अक्सर ये होता है कि बेसन में ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन वो वाले पकौड़े इतने अच्छे मेरे हस्बैंड को नहीं लगते। उनको अच्छा लगता है कि पकौड़ों में से ज़्यादा हो आलू प्याज टमाटर ये चीज़ें ज़्यादा हो। आज मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, वैसे मैं टमाटर भी डालती हूँ। इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि एक हाथ से कैमरा पकड़ो और दूसरे से जो है ना दूसरे से आप लोग काम करो। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े भी बन गए, और समोसे भी साथ बन गए, और छोटी मोटी चीज़ें भी बन गई, और फ्रूट चाट, और ये दूसरा वाला जो है ना ये हो गया चना चाट, ये हमारा शेक शरबत तैयार हो गया क्योंकि ये वाला शरबत तो
पता है ना, ये तो अफ्तारी की जान होती है और सब जो है ना इसके बगैर तो क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये मज़े का जो है फ्रूट दूसरा चाट रेडी हो गया। और मैं ज़्यादातर चीज़ें बस हमारी इफ्तारी में ज़्यादातर यही चीज़ें होती है, सेम चीज़ें होती है, इतनी डिफरेंट चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बच्चे भी इतना ज़्यादा तंग करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़े आज प्रेस कर लिए क्योंकि कपड़े प्रेस हो जाए तो टेंशन ही सारी ख़त्म हो जाती है। बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े भी प्रेस कर लिए और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि और मैं क्या क्या करने लगी हूँ। और यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है, साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही हूँ और इसके साथ साथ और भी जो है ना छोटे मोटे काम जो इधर उधर के भाग दौड़ वाले होते हैं वो भी साथ साथ करती रहती हूँ। और आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें छोटा बेबी जो है वो सो रहे हैं मज़े से, आराम से, सुकून से, और छोटी बेबी भी आराम सुकून से कूलर लगा के सोई हुई है। लेकिन ये जो है दूसरा वाला जो है ये बिल्कुल भी नहीं सोता और इसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, ये बस मोबाइल में से कार्टून देखता रहता है। एक और मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती रहूँ, अब होगी चिपकलियों की छुट्टी क्योंकि मैं ले आई हूँ ब्लैक कोबरा। अच्छा ये जो है ना इससे बहुत जल्दी भागती है और मर अगर डायरेक्ट उनके ऊपर करो ना तो वो मर भी जाती है, गिर जाती है, फिर आप लोग आसानी से उसको मार सकते हैं। वैसे तो मैं हम मार नहीं सकते लेकिन अगर गिर जाए और बेहोश हो जाए तो फिर मार सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी स्प्रे है, कितनी ज़्यादा चीज़ें मैं चिपकलियों के लिए ट्राई कर चुकी हूँ और इधर उधर कीड़े मकोड़ों के लिए, लेकिन कोई चीज़ सारी चीज़ें जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना ये बहुत डीट होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं जाते। तो ये वाली स्प्रे जो है ना ये बहुत ही अच्छी है और इसी से ही है ना ये चीज़ें भागती है। बहुत दिन हो गए थे कि मैं अपने मियाँ साहब को बोल रही थी कि ये ब्लैक कोबरा ले आए ले आए ले, लेकिन आज ही उनको याद आ गई और वो फाइनली ये लेके आए हैं। अच्छा इसको मैं अभी दूसरे घर में जब जाऊंगी तो वहाँ पर भी मैं करूँगी, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या वो आज लेके आए हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे वाले आम आ गए थे जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, आम जब रोज़े ख़त्म हो गए तो आम आ गए, तो इस पे लिखा हुआ है मामा असलम। ये मामा असलम की जो है ना आम अभी से आ गए और बहुत ही मज़े के होंगे। आज मैं इसका शेक बनाने लगी हूँ और साथ में खरबूजा और साथ में वाटरमेलन। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी चीज़ें जो कि कल मैंने दिखानी थी तो वो मैं भूल गई, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैं छोटी अपनी गुड़िया के लिए लाई थी शूज़, और ये देखिए सैंडल कितने प्यारे सैंडल हैं। अच्छा उस दिन रात को हम गए थे और बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें कि क्या लें क्या ना लें। तो बस ये वाले सैंडल मुझे पिंक अच्छे लगे और ये मैं लेके आई। इसके अलावा और मैं उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आई हूँ जो कि इतनी ज़्यादा पर्स मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसने सारा दिन ही पर्स पहना हुआ और वो बिल्कुल भी उस पर्स को नहीं उतार रही थी। आज दूसरा दिन है लेकिन वो जो है ना सोती भी थी फिर भी कह रही थी कि मुझे मेरा पर्स दे दो, तो मैंने कहा मैंने संभाल के रखा हुआ है, जिस दिन ईद होगी ना उस दिन मैं आपको दे दूँगी। तो ये देखिए मैं छोटे मोटे क्लिप्स जो है ना ये सारे अपनी गुड़िया के लिए लाई हुई हूँ। ये देखिए साथ पोनी और ये जो नेल पॉलिश है ये ख़ुद ही उसने अपनी पसंद की है कि ब्लू कलर जो है वो मेरे कपड़ों के साथ लगता है, और ये हेयर बैंड मुझे सबसे प्यारा लगा है। ये इसके ऊपर प्यारे से 3D पूल बनी हुई है जो कि बहुत मज़े के लगते हैं, और ये नेल पॉलिश उसने ख़ुद ही पसंद कर लिया। वो दूसरा वाला नेल पॉलिश भी छोटू सा, उसने दोनों नेल पॉलिश ख़ुद से पसंद कर लिए। और ये देखिए ये आखिर में जो है ना ये ईद में ये चीज़ मस्ट होती है, तो ये मैं कौन लेके आई हूँ। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिली ये तस्बीह वाली जो काउंटिंग होती है ना, तो तस्बीह बोलते हैं और काउंटिंग भी करते हैं इससे, तो बस ये देखें तो आज मुझे ये मिल गई। तो बस जो जो नज़रों के सामने आ रहा था मैं ले लूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।